लॉन्च किया है कंपनी ने, जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, करेंगे बॉक्स अनबॉक्स और देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। स्टार्ट करते हैं बॉक्स को, देखते हैं कंपनी ने क्या क्या दिया है इसमें। हमारे पास गोल्ड कलर में फ़ोन है, स्लिम फोन है, बढ़िया। एक्सेसरी चेक कर लेते हैं, इसके बाद एक हार्ड ट्रांसपेरेंट कंपनी ने दिया है, एडाप्टर 2 एम्पियर एडाप्टर है, हेडफोन जो जनरली हर बार कंपनी एक जैसी देती है, और डाटा केबल सेम वही है जो बाकी के ओप्पो के फ़ोनों में आती है। एक्सेसरी देखा जाए तो लगभग सेम है। अब जानेंगे हम फ़ोन के बारे में क्या है इसमें नया। देखने में डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, 83 जो नया फ़ोन है वो हमारे सामने है, स्लिम फ़ोन है, बढ़िया बढ़िया फ़ोन स्लिम बनाया हुआ कंपनी ने, डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। इसमें एक चीज़ की कमी लगती है मुझे, फिंगरप्रिंट सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देख के वो कंपनी ने एक नया फीचर इसमें डाल दिया है जिसके अंदर फेशियल अनलॉक है। हम ऐसे फ़ोन को देखेंगे और अनलॉक हो जाएगा, इससे बेनिफिट है, फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और फेशियल अनलॉक हो जाएगा। दूसरे साथ में एक स्लाइड स्क्रीन करके नया ऑप्शन दिया है कंपनी ने, जिसके अंदर आप यूट्यूब ऊपर चला रहे हैं तो नीचे चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो वो भी एक एडवांस फ्यूचर हमारे सामने है जिससे कंपनी ने इसको और भी बेहतर बनाया हुआ है। स्लाइड स्क्रीन के साथ साथ में इसमें कंपनी ने एक और फ्यूचर पेमेंट सिक्योरिटी के नाम से दिया है, जिसके अंदर हम अगर हमारे पैसे को पेटीएम में ट्रांसफ़र करके कहीं अपडेट कर रहे हैं या रिचार्ज कर रहे हैं तो अगर सर्वर बिजी है कंपनी का तो पेटीएम में पेमेंट आएगा ही नहीं है। जनरली होता क्या है दूसरे फ़ोनों में कि पेमेंट पेटीएम में आने की वजह नहीं आ पाता है और रिचार्ज फेल हो जाता है, और जो पेमेंट है वो 7 दिन के बाद या तो पेटीएम में आती है या फिर अकाउंट में आती है, तो उस चीज़ से हम बच सकेंगे डायरेक्ट। ये सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। और कैमरे की बात करें तो इसमें A1 करके नया फीचर डाला हुआ है जिसमें कि 200 मिलियन नई अपडेशन दी हुई है कंपनी ने, जैसे कि हम अलग अलग तरह से हम कैमरे को यूज़ कर सकते हैं उसमें, अलग अलग डिज़ाइनों से अलग अलग फेशियल फेस बनाकर, लिप्स आईज वगैरह चेंज कर, जैसे हम ब्यूटी प्लस कैमरे में करते हैं वैसे डायरेक्टली हम कैप्चर कर सकते हैं। ये नया फीचर कंपनी ने इसमें दिए हुए हैं। और अब चलते हैं हम बेसिक की बात करते हैं, तो फ़ोन के अंदर 3 GB रैम है, 32 GB इंटरनल मेमोरी है, 3180mAh की बैटरी कंपनी ने हमको दी हुई है इसमें, तो काफ़ी बढ़िया रहती है। और कंपनी ने इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखते हुए 13,990 रुपये प्राइस रखा हुआ है, तो बहुत बढ़िया फ़ोन कम रेट में हमें मिल रहा है। 2.5 ऑक्टा कोर प्रोसेसर कंपनी ने हमें इसमें दिया हुआ है जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। तो यूज़ करें फ़ोन को, परचेज़ करें, देखें कैसा लगता है, और हम आपके सामने और नए मॉडल लेकर और भी आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।